हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है ज्योति और मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो सुबह हो गई है और मैं सुबह सुबह वॉक को जाती हूँ, मॉर्निंग वॉक को। तो मैंने सोचा कि आप सबको भी जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ का नज़ारा दिखा दूँ। जहाँ जाती हूँ वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है जो थोड़ा सा पहाड़ों पर चलकर है और वहाँ का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। तो चलो आप सबको वहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ, मंदिर भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यही वो रास्ता जहाँ से मैं जाती हूँ रोज वॉक को, और अभी भी मैं जा रही हूँ। अभी थोड़ी देर बाद पहाड़ आने वाला है तो उस पर चढ़ूंगी मैं। तो फ्रेंड्स यही वो रास्ता है जहाँ से मैं रोज वॉक को जाती हूँ, और ऐसे चलते चलते देख रहे ऊपर ऊपर तक जाना है, और वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है बहुत ही प्यारा है अंदर से। वहाँ ऊपर से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए वहीं पर चलते हैं, आपको वहाँ से नीचे का नज़ारा दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये है सीढ़ियाँ, अब मैं इस मंदिर की तरफ जा रही हूँ, और आप सब देख सकते हैं ये छोटा सा मंदिर जो पहाड़ों पर है। छोटा सा है लेकिन अब इसका निर्माण हो रहा है धीरे धीरे, अब इसका अच्छा सा मंदिर बना रहे हैं सुंदर सा, देख सकते हैं। आप सब देख सकते हैं इस मंदिर का निर्माण अभी हो रहा है, अभी पूरी तैयार नहीं हुई है लेकिन कुछ दिनों बाद ये तैयार हो जाएगा। और देख सकते हैं नीचे का नज़ारा भी, और ये है वो मंदिर छोटा सा। यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर वैष्णो देवी माता की लौ आई थी, इसलिए इस मंदिर का निर्माण हुआ। और यहाँ पर नवरात्रों में और कोई भी पर्व उत्सव पड़ता है तो इस मंदिर में खूब अच्छी सजावट होती है,
और यहाँ पे लोगों की भीड़ बहुत होती है और यहाँ पे सब पूजा करने के लिए आते हैं। यहाँ का नज़ारा पहाड़ों पर से, जहाँ पे मंदिर है वहाँ से कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ से नज़ारा, मकान कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं जैसे रेलगाड़ी के डब्बे। सो फ्रेंड्स, नीचे उतर रहे हैं मंदिर से और ये है सीढ़ियाँ और यहाँ से देख सकते हैं पहाड़ दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और नीचे का सीन देख सकते हैं आप सब। तो चलिए फिर नीचे चलते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। सुबह सुबह यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, सर्दियों में तो बहुत सर्दी लगती है, गर्मियों में अगर आओ तो यहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे आओ तो बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, बहुत ही प्यारा लगता है। ये मेरा भतीजा है और मेरे साथ आज ऊपर चल के आया है, मेरे साथ बिल्कुल भी थका नहीं और ऊपर तक आया, मेरे साथ नीचे तक जा भी रहा है पैदल। सब देख रहे हो, वो नीचे उतर रहा है मेरा भतीजा, बिल्कुल भी नहीं थका वो, ऊपर भी चल के आया और मेरे साथ नीचे भी जा रहा है, बल्कि मैं थक चुकी हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं मंदिर के नीचे आ गई हूँ पहाड़ों पर से और अब मैं घर जा रही हूँ। और आज का वीडियो यहीं तक। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।